Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. Tag TV ke Pakistan studio mein aapko kahenge khush aamdeed. कोई उम्मा के मुहाफिजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहां, आगे वो लोग आपके लिए हार लेके नहीं खड़े। जब तक इंशाल्लाह उनको आजादी नहीं मिलेगी हम उनके साथ खड़े रहेंगे। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। बुशरा खान, सारा सना कादिर, कौकब फारूकी, जुल्फिकार, तूबा शकील, टैग टीवी पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। एलओसी पर मिसाइल और स्पाइक एंटी टैंक मिसाइलों की तंसीब रिपोर्ट हुई है। वजीर खारजा ने कहा है कि मुतनाजा शहरियत एक्ट के खिलाफ दुनिया भर में भारतीय सरापा एहतजाज है। पाकिस्तान से बीमार लंदन जाकर सेहतमंद हो जाते हैं। नवाज शरीफ की बीमारी पर कोई सियासत नहीं की। बाबर अवान कहते हैं कि मरियम नवाज को बाहर जाने की इजाजत ना देना कानून की बालादस्ती है। हम एक ऐसे शख्स की आवाज सुन रहे हैं जिसे बेनजीर भुट्टो की याद सिर्फ उनकी बरसी पर सताती है। फिरदौस आशिकवान कहती है वजीर आजम को पर्ची के जरिए सियासत में उतरने वाले सिलेक्टेड का ताना दे रहे हैं। जापान और पाकिस्तान के दरमियान तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत को जापान में रोजगार फराहम करने का मुआहदा। जुल्फी बुखारी कहते हैं कि हुनरमंद अफरादी कुव्वत को जापान में रोजगार फराहम होने से पाकिस्तान में तरक्की होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने परवेज मुशर्रफ को मोहसिन पाकिस्तान करार देते हुए कहा है कि उन्होंने मुल्क की 40 साल खिदमत की। मुल्क भर में मुशर्रफ की हिमायत में रैलियां निकाली गई। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian immigration officer and a senior case analyst, and I've served the Canadian government for 16 years. I provide accurate assessment on every case, and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers, and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once. Do it right. स्वामी काशी गुरु जी का कहना है कि वो आपकी तमाम समस्याओं का हल जानते हैं। स्वामी काशी गुरु जी इज अ स्पेशलिस्ट इन ब्रिंगिंग बैक योर लव्ड वंस। ही इज स्पेशलाइज्ड टू सॉर्ट आउट जनरेशन कर्सेस एंड एनी प्रॉब्लम विद इन 48 आवर्स। आपके डिप्रेशन, फैमिली, कोर्ट प्रॉब्लम्स और बेशुमार मसाइल के हल का दावा करते हैं। स्वामी काशी गुरु जी से राब्ता कीजिए 6477656311 6477656311 एड्रेस 565 मार्कम रोड, स्कारब्रो। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मोदी सरकार ने सेक्युलर इंडिया के नजरिए को दफन कर दिया है। एलओसी पर मिसाइल और स्पाइस एंटी टैंक मिसाइलों की तंसीब रिपोर्ट हुई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मोदी सरकार ने सेक्युलर इंडिया के नजरिए को दफन कर दिया है। एलओसी पर मिसाइल और स्पाइक एंटी टैंक मिसाइलों की तंसीब रिपोर्ट हुई है। तफसीलात के मुताबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत में मुस्लिम मुखालिफ कानून साजी और अमन अमान की सूरत हाल पर अहम बयान देते हुए कहा है कि भारत में इस वक्त कशीदगी उरूज पर है और ये मोदी सरकार के इकदाम की वजह है। वजीर खारजा का कहना था कि आज कोई मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त के इकदाम का साथ नहीं दे रहा। मुतनाजा शहरियत एक्ट के खिलाफ दुनिया भर में भारतीय सरापा एहतजाज है। भारत सरकार ने सेक्युलर इंडिया के नजरिए को दफन कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की सोच को मुसलत किया जा रहा है।
भारत का इरादा दिखाई दे रहा है कि वो LOC पर कोई शरारत करे। LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियों में इजाफा हो गया है, जबकि सरहद पर बाढ़ को भी काटा गया। भारतीय फौज की हर मामूली नकलो हरकत देखने में आ रही है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि ये सारे अवामिल अमन अमान के लिए खतरा दिखाई दे रहे हैं। हमारे इदारों ने LOC पर नए डिप्लॉयमेंट को रिपोर्ट किया है। LOC पर मिसाइल और स्पाइक एंटी टैंक मिसाइलों की तंसीब रिपोर्ट हुई। दुनिया पूरी तरह बाखबर है कि मोदी सरकार क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि जब दो एटमी ताकतें सामने हो तो बात खत्ते तक महदूद नहीं रहेगी। कश्मीर पर दो टोक मौके अपनाने पर तुर्क सदर और मलेशियन वजीर आजम का शुक्रिया। वजीर खारजा का कहना था कि OIC ने कश्मीर में पैलेट गन्स के बेदरिग इस्तेमाल का नोटिस लिया है। इत्तलात के मुताबिक तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया है। OIC के प्लेटफॉर्म से भी इन पर बहुत तनकीद की जा रही है। खबर शामिल करेंगे, आपको बताएं रहनुमा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बाबर रहमान का कहना है कि हुकूमत का फैसला था सजा याफ्ता शख्स को बाहर जाने की इजाजत नहीं देनी, ताहम नवाज शरीफ की बीमारी पर कोई सियासत नहीं की गई। मजीद जानते हैं रिपोर्ट में। तहरीके इंसाफ के रहनुमा बाबर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान से बीमार लंदन जाकर सेहतमंद हो जाते हैं। तहरीके इंसाफ ने नवाज शरीफ की बीमारी पर कोई सियासत नहीं की। मरियम नवाज को बाहर जाने की इजाजत न देना कानून की बालादस्ती है। इस्लामाबाद में PTI रहनुमा बाबर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इन हाउस तब्दीली की कोई हलीम देग में नहीं। मुशरफ केस में हुकूमत आईनी रास्ता अख्तियार करेगी। मुनासिब समझा गया तो हुकूमत मुशरफ केस पर अदालत जा सकती है। इदारों के तसादुम के बारे में कोई ना सोचे। इदारों में तसादुम के खदशे को पैरा 66 से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का फैसला था सजा याफ्ता शख्स को बाहर जाने की इजाजत नहीं देनी, ताहम नवाज शरीफ की बीमारी पर कोई सियासत नहीं की गई। ECL के कवानीन 1980 में बनाए गए थे, 2010 में तब्दीली की गई। मरियम नवाज को बैरून मुल्क जाने की इजाजत ना देना कानून की बालादस्ती है। देखिए, पहला सवाल ये कि क्या जनरल मुशर्रफ साहब की गैरहाजिरी में उनकी अपील दायर हो सकती है? हाँ जी, जस्टिस इरशाद हसन खान साहब जो जस्टिस है उनका फैसला है। गैरहाजिरी में शहीद बीबी को सजा हुई थी, गैरहाजिरी में अपील गई। दूसरी साइड से डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने मौकफ इख्तियार किया कि वो आके पहले सरेंडर करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स में लिखा हुआ है। और उन्होंने कहा कि जिस आदमी को गैरहाजिरी में सजा हुई है उसकी अपील भी गैरहाजिरी में दायर हो सकती है, दायर की गई और सुनी गई। इसके बाद आप कहते हैं कि जो टाइम मिला था नवाज शरीफ साहब को वो पूरा हो गया है, तो उनको टाइम के साथ ये भी कहा गया था कि बताएंगे पाकिस्तान की वैसी को कि बीमारी का इलाज क्या हुआ, कहाँ गए, वो अब आएंगे पाकिस्तान के अंदर और जो सेहतमंद हैं वो तो आ जाए ना। नवाज शरीफ साहब चले बीमार हैं, अदालत उनका फैसला करेगी। इसहाक डार साहब को वापस आना चाहिए, अपने बेटे साथ वापस लाना चाहिए, नवाज शरीफ साहब के बेटों को वापस आना चाहिए। इसलिए कि जब हम रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं तो रूल ऑफ लॉ, जिस तरह इमरान खान कहते हैं आपके वजीर आजम के, दो नहीं एक पाकिस्तान, एक पाकिस्तान में सबको अदालतों का सामना करना चाहिए। कुछ बात कर लेते हैं मामले खुसूसी बराए इत्तलात और नशरियात। फिरदौस आशिकवान ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क में जमहूरियत लाना चाहते हैं तो पहले अपनी पार्टी में लाए। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मामले खुसूसी बराए इत्तलात और नशरियात फिरदौस आशिकवान ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क में जमहूरियत लाना चाहते हैं तो पहले अपनी पार्टी में लाए। सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान फिरदौस आशिकवान ने कहा कि हम एक ऐसे शख्स की आवाज़ सुन रहे हैं जिसे बेनजीर भुट्टो की याद सिर्फ उनकी बरसी पर सताती है। वजीर आजम को पर्ची के जरिए सियासत में उतारने वाले सेलेक्टेड का ताना दे रहे हैं। मामले खुसूसी ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी का जमहूरियत पर बात करना मजाक के मुतरादिफ है। वो ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान में वो जमहूरियत नहीं के लिए कुर्बानियां दी गईं, क्योंकि मुल्क में इस वक्त वाकई गठजोड़ और मुकमुका वाली जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत से बिलावल की मुराद बदउनवानी के लाइसेंस बांटना है। बिलावल मुल्क में जमहूरियत लाना चाहते हैं तो पहले अपनी पार्टी में लाएं और अपने वजीर आला को आजाद करें। मुसलसल हम आवाज सुन रहे हैं, वो आवाज जो है वो एक ऐसे शख्स की है जिसको मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की याद सिर्फ उनकी बरसी पे सताती है और मोहतरमा के नज़रिए और शहीद भुट्टो के नज़रिए के साथ वो उस वक्त जुड़ते नज़र आते हैं जब कहीं इलेक्शन हो या कहीं उनकी बरसी का कोई इतवार हो, जो ख़ुद पर्ची के ज़रिए जिनकी सिलेक्शन हुई है और एक पर्ची के अमल से सियासत के अंदर स्काई लैब की तरह उतरे हैं, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सिलेक्टेड का ताना दे रहे हैं। वो ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान में
वो जमहूरियत नहीं जो वो चाहते थे या जिसके लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी थी, क्योंकि उस जमहूरियत से उनकी मुराद करप्शन के लाइसेंस बांटना। पाकिस्तान की तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत को जापान में रोजगार फराहम करने के सिलसिले में मुआवने खुसूसी जुल्फी बुखारी ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। जापान और पाकिस्तान के दरमियान तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत को जापान में रोजगार फराहम करने का मुआहदा हुआ है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान की तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत को जापान में रोजगार फराहम करने के सिलसिले में मुआवने खुसूसी जुल्फी बुखारी ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। इस सिलसिले में वजारत समंदर पार पाकिस्तानीज में एक तकरीब मुनक्द हुई। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में जापान के वजीर आजम के मुशीर सुनोरो कोंतोरो ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब में जुल्फी बुखारी के साथ सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद भी मौजूद थे। जापान के सफीर मकसूदा ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज का दिन दोनों ममालिक के अवाम के लिए खास है। इस मुआहदे से दोनों ममालिक में ताल्लुकात मजबूत होंगे। जापान में रोजगार के लिए फनी महारत के साथ जापानी जबान जानना भी जरूरी है। जापान को 3,40,000 के करीब तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत की जरूरत है। दस्तखत की तकरीब से खिताब करते हुए मुआवने खुसूसी जुल्फी बुखारी ने कहा कि पाकिस्तान की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र है। पाकिस्तान की हुनरमंद अफरादी कुव्वत को जापान में रोजगार फराहम होने से पाकिस्तान में तरक्की होगी। पाकिस्तानियों को जापान में 14 मुख्तलिफ शोबों में रोजगार के मौके मिलेंगे। इस सिलसिले में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर नौजवान ज्यादा तवज्जो दें। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे मगर इस ब्रेक के बाद। कुछ बात करेंगे मुल्क भर में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की हिमायत में रैलियों का सिलसिला जारी है। हजारों की तादाद में शहरी सड़कों पर रैलियों की सूरत में निकल आए। फिजा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की हिमायत में रैलियों का सिलसिला जारी है। हजारों की तादाद में शहरी सड़कों पर रैलियों की सूरत में निकल आए। फिजा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। तफसीलात के मुताबिक अदालत की जानिब से साबिक सदर परवेज मुशर्रफ गद्दारी केस के फैसले के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे रैलियों का इनेकाद किया गया। इस मौके पर लोगों की बड़ी तादाद ने मुशर्रफ के खिलाफ अदालती फैसले पर अपने रद्देअमल में पाक फौज और परवेज मुशर्रफ के हक में नारेबाजी की। इस हवाले से लाहौर में तंजीमुल मशायख़ आज़म पाकिस्तान ने रैली निकाली। कोयटा और मस्तूम में भी मुजाहरे हुए। दादू जैकबाबाद और दीगर शहरों में भी शहरी सड़कों पर निकले। रैलियों में शहरियों ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ से इजहार यकजहती किया। कराची में जलसे से खिताब करते हुए डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि एक अदालत ने आइन और पाकिस्तानी इकदार से मावरा फैसला किया। ये कैसे मुमकिन है कि 99 का फैसला जायज और 2007 का फैसला नाजायज हो जाए। लियाकताबाद फ्लाई ओवर पर एमक्यूएम पाकिस्तान ने अदालती फैसले पर आवामी राय तलब करने के लिए पावर शो किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने परवेज मुशर्रफ को मोहसिन पाकिस्तान करार देते हुए कहा कि उन्होंने मुल्क की 40 साल खिदमत की। पाकिस्तान हमारे आबाओ अजदाद की अमानत है हमारे पास, और एक ऐसे शख्स को सजा सुनाई गई और इन अल्फाज के साथ सजा सुनाई गई कि जिसने आबाओ अजदाद की इस अमानत को की हिफाजत का कसम खाई थी, अपने जिंदगी के 40 साल दिए थे, और एक ऐसे वक्त में बहुत सारी बातें हो गई, मैं दोहराना नहीं चाहता। यह भी कह दिया गया है कि आर्टिकल 6 की बहुत सारी शिकें हैं। जब आर्टिकल 6 लगता है तो किसी के पास ना ऐवान के पास ना अदालत के पास ये अख्तियार होता है कि अपनी मर्जी की शिक इस्तेमाल करें। सीनियर डेप्टी कन्वीनर राबता कमेटी आमिर खान का अपने खिताब में कहना था कि जब जहन में इंतकाम की सोच हो तो फैसला मुनसिफाना नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इंसाफ का बोल बाला करें। और हमें यकीन है कि इंसाफ भी इसी आला अदलिया से मिलेगा। हमें पूरा यकीन है अपने मौजिज जजेस साहिबान पर कि वो ये जो गुत्थी उलझ गई है इसको सुलझाएंगे भी वही, और उन्हीं का काम है। जलसे से खिताब करते हुए मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि पूरा शहर परवेज मुशर्रफ के साथ खड़ा है। जलसे के इख्तिताम पर कौमी तराना भी पढ़ा गया। टैग टीवी ब्रिंग्स यू डेली न्यूज बुलेटिन फ्रॉम पाकिस्तान। ब्रेकिंग न्यूज, व्यूज एंड हेडलाइंस फ्रॉम पाकिस्तान। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुश आमदीद। भाई उम्मा के मुहाफिजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है वहाँ, आगे वो लोग आपके लिए हार लेके नहीं खड़े। जब तक
انشاءاللہ ان کو آزادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise. بشرا خان، سارا، سنہ قادر، کوکب فاروقی، ذوالفقار، توبہ شکیل، ٹیک ٹی وی پاکستان